स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने यह ऐलान किया है कि वो अतीक और अशरफ के जो हत्यारे हैं, यानी कि जो तीन शूटरों ने इस घटना को अंजाम दिया था, अब उसकी वो कानूनी सहायता करेंगे। बता दें कि उनके बयान सामने आने के बाद से जाहिर तौर पर एक बार फिर से सियासी घमासान मचना लाजमी है, क्योंकि पहले ही अतीक अहमद की हत्याकांड को लेकर के कई सारे राजनीतिक दल हैं जो कि लगातार योगी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि जहां तीन शूटर शामिल हैं, उनकी जो उम्र है वो किसी की भी 25 से ज्यादा नहीं है। इनमें से अगर बात हम लवलेश तिवारी की करें, सनी की करें या फिर अरुण मौर्य की करें, तो इन तीनों की ही उम्र कम है। लेकिन बात अगर हम यहां पर अरुण मौर्य की करें तो उसकी एज जो है वो केवल 18 साल है। ऐसे में इस मामले को लेकर के साफ तौर से तीनों के ही परिवारों ने किनारा कर लिया है। और वहीं अरुण मौर्य के फैमिली की बात करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर इस केस को लड़ने से ही मना कर दिया है। उनके दादा का कहना है कि हम इस केस को नहीं लड़ेंगे, हम कोई भी कानूनी लड़ाई अरुण मौर्य के लिए नहीं लड़ने वाले हैं। अब इस बीच स्वामी चक्रपाणी का सामने आना और उनका ये कहना कि वो कानूनी लड़ाई और जो भी कानूनी सहायता है वो प्रदान करने की कोशिश इन तीनों शूटर्स के लिए करेंगे। बता दें कि प्रयागराज में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते समय तीन युवकों ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। इस समय तीनों आरोपी प्रतापगढ़ जिला कारागार में बंद हैं और अब उनकी कानूनी मदद करने वालों ने भी ऐलान कर दिया है। बता दें दरअसल हिंदू महासभा अतीक और अशरफ अहमद हत्याकांड के आरोपियों को कानूनी मदद देगी। हिंदू महासभा के प्रमुख स्वामी चक्रपाणी ने अपनी यूपी इकाई को अतीक हत्याकांड के आरोपियों को आवश्यक कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश दिया है। आपको बता दें हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने अतीक के हत्यारों को बच्चे कहकर भी संबोधित किया है और कहा है कि उन्हें कानूनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा सभी हिंदुओं के साथ खड़ी है, प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। हिंदू महासभा ने अपनी स्थायी इकाई को तीनों अपराधियों को कानूनी और आर्थिक मदद देने के लिए निर्देश जारी किए हैं। हमें तीनों आरोपियों की मंशा को समझना होगा। अतीक ने कई लोगों की जान ली है, इन आरोपियों को कानूनी बचाव पाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हर कोई इन आरोपियों से नफरत कर रहा है, यहाँ तक कि संविधान भी अधिकार देता है कि वे अपनी रक्षा कर सकते हैं। पुलिस उनसे दबाव में कुछ भी कह सकती है, उनके परिवारों ने उन्हें छोड़ दिया है, हिंदू महासभा उनके साथ खड़ा है, हम तन मन धन से साथ हैं। दुनिया ने कैमरे के सामने उन्हें अतीक को मारते देखा है, उन्होंने एक गलती की है। हम हत्या का बचाव नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें उचित कानूनी बचाव जरूर मिलना चाहिए। बता दें दरअसल स्वामी चक्रपाणी उस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे जब उन्होंने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को खरीद कर उसे सार्वजनिक शौचालय में तब्दील करने की बात कही थी। उन्होंने कुछ साल पहले ही दाऊद इब्राहिम की कार को 32,000 में खरीद कर और बाद में उसमें आग भी लगा दी थी। इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। आपको बता दें दरअसल अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के आरोपी लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण कुमार मौर्य को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी यानी कि पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों को बुधवार की सुबह CJMD के गौतम की अदालत में पेश किया गया था, जहां पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। तीनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड 19 अप्रैल 2023 को दोपहर 2 बजे से 23 अप्रैल 2023 को शाम 5 बजे तक मंजूर की गई है। आपको बता दें दरअसल प्रयागराज में शनिवार की रात कॉल्विन हॉस्पिटल ले जाते समय अतीक और उसके भाई अशरफ की तीन आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं घटना के अगले दिन प्रयागराज शाहगंज थाने में आरोपी लवलेश तिवारी, मोहित और अरुण कुमार मौर्य के खिलाफ IPC की धारा 302, 307 और
आयुध अधिनियम की धारा 3725 के तहत FIR दर्ज की गई। वही सुरक्षा कारणों से इन तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ की नैनी जेल से प्रतापगढ़ जिला कारागार शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि जिस तरीके से इन तीनों ही आरोपियों के जो खुलासे हैं लगातार सामने आ रहे हैं, इसी के साथ ही बात अगर हम यहाँ पर तीनों शूटर्स की करें तो ये जो है अलग अलग इलाके से है, इनका पूरा का पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो अलग है। और साथ ही अगर जो मीडिया की टीम जब इनके घरों पर गई थी तो वहां पर भी इनकी फैमिली की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसे में इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि जरूर इस पूरे खेल के पीछे एक व्यक्ति शामिल था जिसने कि इस पूरे नाटक और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश की है, क्योंकि जिस पिस्टल से हत्या की गई थी वो पिस्टल ही करीब 6 से 7 लाख रुपए का आता है, जो कि टर्की मेड पिस्टल है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये तीनों ही गरीब बैकग्राउंड से आते हैं तो इतने पैसे उनके पास कहां से आए जिससे कि वो इतने महंगे पिस्टल खरीद सके। इसी के साथ ही ये भी खुलासा हुआ है सूत्रों के हवाले से कि जो पिस्टल दी गई थी वो दरअसल गोगी गैंग के द्वारा मुहैया कराई गई थी। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, लेकिन इसको लेकर के पुलिस अभी कुछ पुख्ता जानकारी पुलिस के द्वारा सामने नहीं आया है, लेकिन एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं लगातार उसके द्वारा आरोपियों का यही कहना है कि वो किसी गैंग के संपर्क में नहीं थे, किसी गैंग ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया था इस हत्या को लेकर के, बल्कि उनको नाम कमाना था, इज्जत कमानी थी, अपना नाम बनाना था, जिसकी वजह से उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। बता दें लगातार अतीक अहमद को लेकर के कई सारे जो केसेस थे, लगभग 100 से भी ज्यादा केस अतीक अहमद पर दर्ज थे, लेकिन इतने सालों में यानी कि अगर टोटल उसकी हिस्ट्री की बात करें 40 सालों का जो उसका माफिया का एक इतिहास रहा है, कभी भी उसे सजा नहीं हुई है। हालांकि केसेस बहुत सारे दर्ज किए गए हैं, गुंडा एक्ट के तहत भी अतीक अहमद पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन सजा किसी भी मामले में नहीं हुई। पहली बार प्रयागराज कोर्ट ने उसे सजा सुनाई थी उमेश पाल अपहरण मामले में, और इसी के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड जब हुआ तो एक बार फिर से अतीक अहमद सुर्खियों में आता है, क्योंकि जिन गुर्गों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था उसका कनेक्शन अतीक अहमद से निकला, और अतीक अहमद ने ही जेल में रहते हुए ये तमाम प्लान बनाया था कि कैसे उमेश पाल की हत्या को अंजाम देना है। और अतीक अहमद की जो पत्नी शाहिस्ता परवीन थी वो भी इस हत्याकांड में शुमार थी, और बाकायदा जो चैट थे, जो SMS थे वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगे, जिसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। इसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर के खुलासा हुआ। इससे पहले आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की जहाँ हत्या को अंजाम दिया गया था, तो ठीक इससे पहले अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक शूटर गुलाम का भी SIT के द्वारा एनकाउंटर किया गया था, और एनकाउंटर जो है वो झांसी के करीब किया गया था। बता दें कि यह भी कहा गया था कि जो अतीक का काफिला लाया गया था साबरमती जेल से प्रयागराज तक, तो इसको लेकर के पूरी रेकी की जा रही थी इन दोनों के द्वारा, यानी कि असद और गुलाम के द्वारा, और कहीं ना कहीं अतीक को छुड़ाने की पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी। वही जब SIT की टीम इनका पीछा कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने गोली चलाई, जिसके बाद SIT की टीम ने जवाबी कार्रवाई की और ये दोनों ही मुठभेड़ में ढेर हो गए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।